आज जप दिवस है। परसों संवत्सरी महापर्व है और संवत्सरी का उपवास तो सामान्य सी बात है। आप लोग तो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से भी प्रेरणा जहाँ तक संभव हो सके उपवास करना चाहिए। ज़्यादा ही कोई शारीरिक दिक्कत हो तो अलग बात है। परिवार में भी किशोर हैं, युवक हैं, यहाँ नहीं भी आए हों, हो सकता है अनेक लोग मेरी बात को अपने घरों आदि में सुन रहे हों, कोई मेरी बात को नहीं भी सुन रहे हों, तो जिनके पास भी हमारा संदेश पहुँचे, बात पहुँचे, संवत्सरी को उपवास का प्रयास होना चाहिए। कोई शरीर में दिक्कत है या कोई बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को भाई उपवास नहीं भी कर पाए, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक जितना भूखा रह सके तब तक वे भी थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाएं कि उपवास पूरा नहीं हो तो थोड़ा आंशिक कर लो, 2-3 घंटा तो भूखे रह जाओ, सुबह नाश्ता तो मत करो आज। तो जितना जैसा संभव हो संवत्सरी का उपवास का प्रयास होना चाहिए। और उपवास के साथ पौषध की बात भी है, अष्टप्रहरी पौषध। पौषध करने वाले हैं, जैसे यहाँ पौषध करते हैं, अब यहाँ रात्रि का कार्यक्रम करके पौषध संवत्सरी को करो, चाहे और भी पहले पीछे करें, आज करें, कल करें, कभी करें। अब जाना कुटीर में है कि सोना तो कुटीर में है, प्रतिक्रमण आदि आदि यहाँ हो रहे हैं, तो कुटीर में जाना हो तो यहाँ इस नंदनवन परिसर की बात यह बताई जा रही है कि आपको कुटीर में जाना है पौषध में, तो जाने की तो दिक्कत नहीं है। 2 बातों का ध्यान देना अपेक्षित है कि चलना हो बिना पुंजे नहीं चलना, हाथ में रजोहरण जैसा हो या प्रमार्जनी हो तो पूंज पूंज करके चल सके, कुटीर तक जा सके, आंखों से भी रास्ते को देखने का प्रयास, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु हरियाली पैर के नीचे न आ जाए, यह अगर ध्यान रखते हुए प्रमार्जन करते हुए चलें और अच्छाया न लगती हो, यहाँ काफ़ी कई जगह ऊपर छाया हुआ है, अच्छाया न लगती हो तो आप रात में पौषध में भी यहाँ से अपने कुटीर में जाकर के आगे का समय बिताएं, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं मानी जा रही है। अच्छाया नहीं लगे, बिना पूंजे न चलें, आंखों से देखने का भी प्रयास करें, कोई कीड़ा मकोड़ा आदि मर न जाए, यह सावधानी अपेक्षित है। शारीरिक कार्य के लिए तो अच्छाया में भी जाया जा सकता है, शारीरिक अपेक्षा है। आपको लगे रात भर में शरीर की अपेक्षा तो पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा अच्छाया में, तो अच्छाया में जाने में शरीर की अपेक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि मुझे शरीर की अपेक्षा से जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार तो कुटीर में ही पोषण कर लूँ तो वहीं का वहीं फिर और कहीं जाना भी नहीं पड़े, तो ऐसे जाएं तो प्रमार्जन और अच्छाया फिर लगानी पड़ेगी, शारीरिक काम के लिए जाना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत अच्छाया लगेगी तो लगेगी, उसकी आलोचना प्रायश्चित अलग से हो सकता है। तो इस प्रकार कुटीरों में भी पौषध रात में जाकर के वहाँ करने में आपत्ति नहीं है। शनिवार को सामायिक करते हैं अब यह संशोधित या बात यह बताई जा रही है, 2 सामायिक भी साथ में आपने ले ली, जैसे 6:30 बजे सामायिक ले ली, अब सामायिक तो 8 बजे के बाद दोनों सामायिक आएगी, इस रूप में शनिवार की सामायिक भी हो तो दिक्कत की बात नहीं है। 7 से 8 के बीच में एक मुहूर्त वो सामायिक में बीतना चाहिए, भले 1 सामायिक करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, 7 से 8 के बीच शाम को एक मुहूर्त का समय सामायिक में बीतना चाहिए। सामायिक भले
दो साथ ले लो, एक लो, तीन लो, जैसे आपकी सुविधा हो। नोट करनी बात नहीं। तो यह संवत्सरी का उपवास और पौषध की बात है। और संवत्सरी का उपवास करें तो यह जैसे 19 सितंबर को यानी भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को संवत्सरी है, तो भाद्रव शुक्ला तीज की रात है यानी 18 सितंबर की रात 12 बज जाए, उसके बाद न पानी भी नहीं पीना, भोजन तो दूर, पानी भी नहीं पीना। उपवास करने वालों के लिए रात के 12 बजे के बाद से ही मानो उपवास एक तरह से लागू हो गया। रात को पानी भी नहीं पीना, दिन में आप चाहें तो तिबिहार उपवास है तो पानी पीने में दिक्कत नहीं, पर सचित्त पानी नहीं पीना होता है। अचित्त पानी पीने में उपवास में कोई दोष नहीं। और संवत्सरी की रात है, सूर्यास्त के बाद अगले सूर्योदय तक रात में पानी नहीं पीना होता है। भले तिबिहार उपवास हो, भले चोबिहार हो, रात में पानी नहीं पीना होता है। यह उपवास की बात है। तो हमें संवत्सरी की आराधना अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना है, और बच्चों आदि को भी प्रेरणा मिले, जितना संभव हो सके उपवास का प्रयास करें। कभी स्कूल जाना है, स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो स्कूल में उपवास रख लो अपना, कोई बात नहीं। कोई स्कूल जाना ही हो या छुट्टी है, छुट्टी होगी शायद, गणेश चतुर्थी है तो छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, छुट्टी है तो अपने उपवास अच्छा हो जाए। और आज जप दिवस है, तो जप तो जितना अनुकूलता हो, नवकार मंत्र जैसा महामंत्र है, जितना जप करें, कर्म निर्जरा हो, भाव शुद्धि हो, इस उद्देश्य से जितना हम जप करें और पूरे नवकार मंत्र का जप जितना टाइम मिले, नवकार की एक माला तो बच्चों को छोड़ दें, थोड़े बड़े हैं, एक माला तो रोज ही फेरने का प्रयास होना चाहिए। भी नवकार की माला एक तो रोज ही फेरने का लक्ष्य रखें। थोड़े छोटे बच्चे हैं 8-9 वर्ष के, 21 बार तो वे भी नवकार मंत्र का पाठ करने का प्रयास करें। यह कम्य है, अपेक्षित है। तो यह जप है, हम अपना जितना हो आध्यात्मिक जप करें, कर्म निर्जरा, भाव शुद्धि का लाभ हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना से यह जप करना भी अच्छा हो सकता है। ओम अरहम।